नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जनपद के श्रावस्ती इकोना इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें संबंध में बताया जा रहा है कि एक गरीब व्यक्ति आवास पाने के लिए खंड विकास अधिकारी इकोना कार्यालय के पास ढोल नगाड़ा बजाकर आवास के लिए गुहार लगा रहा है। जब मीडिया द्वारा जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि बैजनाथ गौतम नाम का व्यक्ति है, जो इकोना जयचंद्र कटघरा गाँव का रहने वाला है, जो बहुत ही गरीब परिवार का है। किसी तरह अपना यौपन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस कड़की की ठंड में एक फूस के घर में ये परिवार त्रिपाल तान कर रहता है। वहीं इनके छोटे छोटे बच्चे वो आसपास पड़ोस के में घर में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इस व्यक्ति से खंड विकास अधिकारी इकोना के कार्यालय के सामने टोल नगाड़ा पीटने के कारण पूछा गया तो बैजनाथ ने बताया कि पहले उसने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था, जिसमें उसका नाम पात्र की सूची में रखा गया था। उसके बाद सूची से उसका नाम हटा दिया गया। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी द्वारा विधिवत रिपोर्ट में लिखा दिया गया कि ये व्यक्ति ढोल नगाड़ा बजाकर साल के 8 महीने दैनिक 500 रुपये कमाता है, इसलिए बैजनाथ खंड विकास अधिकारी कार्यालय में सामने बजाकर उनसे दैनिक 500 रुपये मांग रहा है। नाच नौटंकी ढोल नगाड़ा बजाने से कभी कभी कभार कोई खुश होकर उसके एक बार 500 रुपये दे दिया तो उस जिसको रिपोर्ट में दैनिक कमाई के नाम पर जोड़ दिया गया है, जिससे पीड़ित काफी आहत है। खास रिपोर्ट मुझे अहमद श्रावस्ती पर जा करके ढोल बजा रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं। हाँ सर, तो आप बताएंगे कि क्यों बजा रहे थे आप? हाँ साहब, उसमें वीडियो साहब बताए ना कि 500 रुपये आप 8 महीने में। क्या नाम है आपका? बैजनाथ। बैजनाथ जी, आप जो है खंड विकास अधिकारी दरवाजे गए थे, वहाँ ढोल बजा रहे थे। हाँ सर, क्या मामला, क्यों बजा रहे थे? सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑनलाइन की नहा तो वहाँ गए नहा तो वीडियो साहब पूछे हमसे कितना रुपया पाते हो, तो हम कहे ना 8 या 10 रोज को ये प्रोग्राम हमको मिल जाता है, तो 300-400 रुपया हमको मिल जाता है। वीडियो साहब 500 रुपये के डेली के हिसाब से हमको लिख दिया। 500 रुपया आप ही लोग बताओ जी कि कहाँ मिलत है हमको। क्या लिख दिए? 500 रुपये डेली इनको तनख्वाह मिलता है। मतलब आपको? आप हमका। अच्छा, किसने जांच में लिख दिया? वीडियो साहब। फिर आपने क्या किया? तो अब जब 500 रुपये डेली लिख दिए साहब वीडियो साहब के नगाड़ा बजाए पावत है, तो हम कहें ना अभी नगाड़ा जाए वीडियो के आशय पहन बजाए कि ताकि उन्हें वीडियो साहब हमका 500 रुपये दे। और गरीब आदमी हम कहाँ से ये सब पाई हमारी झोपड़ी बना है साहब, ऐसा ऐसा घर है हमारा। अच्छा, तो आपको 500 रुपया वहाँ से जाँच में लिख दिया गया कि आप 500 रुपये 8 महीना रोज कमाते हैं। हाँ साहब। अच्छा, काम क्या करते थे? काम साहब खेती बाड़ी करीता है। और सुना ढोल भी बजाते हैं? हाँ, ढोल बजाते हैं साहब। ढोल बजाने में कितना मिल जाता है? 3-4 से 8-10 जो कहूँ एक प्रोग्राम मिल जाता है तो 300-400 रुपये हमका मिल जाता है। वहाँ एक महीना में तीन बार हमको मिलता है, 2-3 बार। अच्छा, एक मिलता है। एक साल जो पूरा लॉकडाउन चला उसमें आपकी कुछ कमाई हुई? ना साहब, उसमें कुछ नहीं, उसमें तो सब भूखा मरी हुई है। माँ देवी, ये जो फूस का घर, इस पे जो पन्नी वन्नी लगा हुआ है, तिरपाल तना हुआ है, ये आपका घर है? हाँ, हमारा ही घर है। अच्छा, कैसे रहते हैं इसमें आप लोग? कौनो मेर गुजारा किन जाते साहब, और कौन मेर रहा जाते है। काहे क्या समस्या है? गरीबी बहुत है। गरीबी बहुत है, कौनो मेर रहा जाता है। खेत तो नहीं है? खेत नहीं है मेरे पास। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? मजूरी मेहनत करत है, 200-250 रुपया पाए जाते हैं, साग सब्जी चलत है, 4 लड़के खाता पियता है। काम क्या करते हैं? मजूरी मेहनत करत है, कहूँ एक दिन पाए गए बजावे जावे चला गए बस। ढोल नगाड़ा बजाते हैं? नगाड़ा। तो उसमें कितना पैसा मिल जाता है एक दिन में? जैसे अगर कहीं चले गए किसी के यहाँ तो कितना पैसा वो दे देता है? अरे कबो 300 पाई गया, कबो 200 पाई गया। कौन है रिश्ते में आपके जो ये घर दिख रहा है? हमारे देवर है। देवर है आपके? क्या हाँ। काम करते हैं? मेहनत मजदूरी करत खात है, लड़के बच्चे जियावत हैं। अच्छा, कितना पैसा मिल जाता है मेहनत मजदूरी? 100-200 मिलेगा। वो मैं का हो, ये लड़के 2 4 लड़के खवैया, 2 परानी अपना खवैया, 6 परानी खर्चा तो मैं का हो। अच्छा, ये बरसात में कैसे लोग रहते हैं? हमने देखा इस पे जो है त्रिपाल तना हुआ है।
अब ऐसे रहा तो है ताने आई खटिया बंदी डाय रहते पहुड़े रहते लड़के बच्चन ले है तो आवास नहीं मिला इनको। कहाँ मिला आवास? कोई नहीं। क्यों नहीं मिला? जब दिया भाई ना करिए तब कहाँ मिले हम कहाँ बताए। काम क्या करते हैं वो जो आपके देवर हैं? नगाड़ा वगैरह बजाओ थे। मैंने नगाड़ा बजाने जाते हैं तो एक दिन में उनको कितना पैसा मिल जाता है? अरे कबो 100 मिला कबो 200 मिलेगा।